आजादी का अमृत महोत्सव ना समीर नादा एआर नेक्स्ट का एक ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान आप सब की خدمت में हाजिर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो तीन मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर डिपेंड करता है और आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के साथ मिलकर ही आप तक पहुंचाते हैं और अब की बार, हमारी खुशनसीबी कि हमें मौका मिल रहा है कि हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करें विद द बडिंग डॉक्टर्स जी हाँ इस बार हमारा प्रोग्राम ए आर नेक्स्ट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा है इन कोलेबरेशन विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर हमारे साथ बडिंग डॉक्टर्स हैं जिन्हें हमने अक्सर इलाज करते हुए देखा है सुइयां लगाते हुए देखा है लेकिन आज पहली बार आप हमारे इस मंच से उन्हें गाते गुनगुनाते और बोलते हुए सुनेंगे मुख्तलिफ चीजों को लेकर तो आइए सीधा चलते हैं हम महक के पास जी हाँ महक हमारी वहां एंकर तैयार है पहला डिस्कशन सेगमेंट लेकर तो सीधा चलते हैं महक के पास थैंक यू द द्रेस आई एम महक मैं एमबीबीएस थर्ड प्रॉफ की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर और आज का जो प्रोग्राम है ए आई आर नेक्स्ट जो जीएमसी श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो के कोलेबोरेशन के, के साथ हो रहा है मैं उसका फर्स्ट सेगमेंट होस्ट कर रही हूँ तो एज़ मेडिकोज द कॉलेज इज़ वेरी इंगेजिंग हमें लेक्चर्स प्रैक्टिकल्स क्लिनिक सब कुछ अटेंड करते रहना होता है तो इस तरह का कोई प्रोग्राम इज़ वेरी रिफ्रेशिंग जहाँ हम कुछ डिफरेंट बात कर सकते हैं जहाँ हम अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं एंड जहाँ हम अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं जो ये डिस्कशन वाला सेगमेंट है इसमें हमारे पास आज दो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे द फर्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ ऑफ मेडिकोज अंडर सेकेंड वन एज फार्मास वर्किंग एज डॉक्टर्स इन कश्मीर हमारे फर्स्ट सेक्शन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं डिस्कशन के मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ अल्प एवरी वन मेरा नाम अदीबा है

Uh, आपके क्या ओपिनियंस हैं अगर मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को यू नो नटसल में लूँ आई विल पुट इट अंडर अ फ्यू पॉइंट्स लाइक फाइव सिक्स पॉइंट्स तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कंपैरिजन की मैं बात करूँ आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज हम दो बच्चों को लेंगे और उनका टेंथ का एग्ज़ाम हो रहा है तो एक बच्चे ने सिक्योर किया नाइन्टी फाइव सेकेंड बच्चे ने सिक्योर किया नाइन्टी तो हमारी फैमिली जो हमारे पेरेंट्स हैं वो वहीं पर कंपेयर करते हैं बच्चों को कि नेबर के बच्चे ने इतने परसेंट लाए और तुमने इतने कम क्यों लाए और स्टार्टिंग फ्रॉम आर ओन पेरेंट्स एंड मूविंग टू द सेकेंड नाउ एक्सेप्टेंस दोनों ने टेंथ पास कर लिया नाउ इट कम्स टू विच सब्जेक्ट ऑप्ट फॉर सो जो नाइंटी फाइव परसेंट वाला है मेडिकल साइंस लिया जो सेकेंड परसेंट है अगर उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और इंजीनियरिंग में है जस्ट मेक हिमसेल्फ एक्सेप्टेबल एंड मोर लाइकेबल वो भी जंप करता है इसी प्रोफेशन में ताकि लोग मुझे पसंद करें दैट द सेकेंड रीजन मोई दर्ड पॉइंट दैट अटैचिंग आवर सेल्फ वर्थ टू समथिंग एल्स हमने टेंथ पे अपना वर्थ किसके साथ कनेक्ट किया मार्क्स के साथ फिर जब हम ट्वेल्थ में पहुंचे हमने अपना वर्थ कनेक्ट किया नीट क्रैक करने के साथ फिर हम पी जी लेवल पर पहुंचे हमने अपना वर्थ कनेक्ट किया पी जी में सलेक्शन के साथ बट आई बिलीव कि लाइफ uh, जो है इट इज़ जस्ट अ प्रोफेशन हम क्या करेंगे लाइफ इज बियॉन्ड दैट एंड देन कमिंग टू अदर पॉइंट देट इज़ लूजिंग आवर इंडिविजुअलिटी जब हम इसी चीज़ में फंस जाते हैं तो हम जो हमारा पर्सनल व्यू होता है जो हम पर्सनली फील करते हैं, जो हमारे ओपिनियंस होते हैं हम उनको फॉर ग्रेंटी लेते लाइक टू हम दूसरों की पर्सनैलिटीज़ को मिमिक करने लगते हैं देन सिक्सथ पॉइंट इज दिस दैट आई सैड वी हैव द कल्चर ऑफ फेयर हेयर आई बिलीव कि जब वी शुड हैव दैट थिंग इन आर्सर्स की वी शुड आस्क क्वेश्चन अगर हम सवाल नहीं करेंगे ख़ुद से तो जवाब कैसे आएँगे तो जवाब नहीं आएंगे तो सोसाइटी को कैसे चेंज करेंगे दैन देर इज सिक्सथ पॉइंट दैट्रामा आई बिलीव कि uh, बहुत सारे लोग आउट देर uh, जो uh, मतलब विक्टम्स हुए हैं ब्रोकन फैमिलीज़ की जहाँ पेरेंट्स फाइट करते हैं और उनको वो देखना पड़ता है या पीपल uh, जो सब्जेक्ट हुए हैं अब्यूज़ फिज़िकल अबीज़ वर्बल अबीज़ सेक्शुअल अबीज़ तो दी ज्यादा इंस्टेंसिस जिन्होंने लाइक जिसकी वजह से जो इम्बेलेंस है हमारे मैंटल हेल्थ में एक्जैक्टली एंड स्पेशली द कम्पेरिजन पार्ट वो मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगली अप्लाई करता है क्योंकि हम सब को ऐसा लगता था एक पॉइंट पर कि दैट वी आर बेटर देन एवरी वन एल्स बट वी कम टू अ प्लेस वेर एवरी वन इज़ बेटर यू नो इन देंस तो कम्पेरिजन और कॉम्पिटिशन इज़ वेरी सिविल अदीबा आप को क्या लगता है कि एक मेडिको की जिंदगी में मेंटल हेल्थ का क्या सिचुएशन सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज हमसे एक सुपर ह्यूमन काइंड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है एवरी वन इज अलाउड टू मेक मिस्टेक्स बट इन अर केस हम अगर कोई मिस्टेक करेंगे तो दैट कैन कॉस्ट अ लाइफ वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल इट्स ब्यूटिफुल लेकिन हम जो हैं वी हैव टू डील विद द मोस्ट वनरेबल एंड मिजरेबल साइड ऑफ द सोसाइटी वी आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स पूरा टाइम हम देखते हैं लोगों की सफरिंग्स को लोगों की पैथेटिक कंडीशन को एंड देन वी गो टू सोशल मीडिया वहाँ पर दुनिया बिल्कुल अलग है यू गो टू सोशल मीडिया यू सी आपके अपने फ्रेंड दिया पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ ब्यूटिफुल प्लेसेज सम ऑफ योर फेलोज दे इवन अर्निंग फिर आप सोचते हो मेरे लिए वो स्टेज कब आएगा देन यू इमेजिन कि अभी मेरे को और कितने साल लगने वाले हैं उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए एंड दीज फैक्टर्स मेक्स यू इनसेक्योर और ये जो इनसेरिटी होती है धीरे धीरे जब तक आप, आपका एम बी बी एस क्लियर करते हो तब तक आप एक बहुत ज्यादा डार्क फेस में जा सकते एंड द वर्स्ट पार्ट इज वी कैंट इवन टॉक अबाउट इट ओपनली बिकॉज वी आर सपोज टू ट्रीट पीपल अब अगर हम खुद ही कोई चीज सफर कर रहे हैं दैन पीपल वोंट ट्रस्ट अस डेफिनेटली प्रेशर ऑफ बींगफेक्ट हमसे इतना परफेक्ट रहने की उम्मीद की जाती है कि वो परफेक्शन ही हमारा स्ट्रेस बन जाता है शायस्ता आ, आपका क्या कहना है इस बारे में वेल well, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये मैंटल हेल्थ इशू है इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल इशू नाउ नज़र डाले अपने कश्मीर पे तो यहाँ पे भी मोर अराउंडी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज सफर डिप्रेशन एंड अदर एंगजाइटी डिसऑर्डर्स तो ये एक ऐसा इशू है कि इंसान ऐसे इंडल्ज होता है इसमें कि वो अंदर ही अंदर ये चीज़ उसको खाई जाती है ये डिप्रेशन ये एंजाइटी उसको खाई जाती है हम नहीं ध्यान देते हैं कि उस इंसान को हमें इमोशनली सपोर्ट करना है उसके लिए जो ठीक है उसको बोलना है कि उसको आ, इस चीज़ के बारे में हमें एजुकेट करना है कि वो ज़्यादा ना सोचे इस चीज़ के बारे में और हमें इसको एड्रेस करना है हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक हम उसको पागल बोले या कुछ और नाम देते हैं हम उन इंसानों को उनके बारे में बात नहीं करते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच अगर ये मैं कंक्लूड करूँ इस पूरे टॉपिक को तो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और जो एक टैबू है जो एक हमने एक ऐसा बना रखा है दैट इट्स ऑल इन योर हेड डोंट थिंक अबाउट इट बट ऐसा नहीं है जस्ट एज फिजिकल एलिमेंट्स मेंटल हेल्थ आर जेनुन कंडीशन एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड और इसका प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फार्मासिस्ट वर्किंग एज डॉक्टर्स इन कश्मीर ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एनी बॉडी एंड एवरी बाडी लिविंग इन कश्मीर मस्ट बी कि हमारे यहाँ डॉक्टर एक ऐसा वर्ड है जो किसी टेक्निकल डेफिनेशन या किसी लीगल डेफिनेशन पर डिपेंड ही नहीं करता मै सर मैं आपसे शुरू करूँगी देखिए ये एक तलक हकीकत है कि हमारे समाज में डॉक्टर हर उस एक डिसेंट आदमी को बोलते हैं जिसने कहीं से कोई भी मेडिसिन के रिलेटेड कोई कोर्स किया हो चाहे वो छः महीने का कोई डिप्लोमा कोर्स ही क्यों ना हो फार फलंग एरियाज में जाते हैं तो हमें ऐसे डॉक्टर भी मिलते हैं जिन्होंने टेंथ पास किया होता है और वो लोगों को इस कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं कि बड़े से मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर एच उसके सामने कॉन्फिडेंस में कम दिखे इसकी वजह क्या है कि यहाँ जो हमारे लोग हैं ये इनमें अपना ज़्यादा विश्वास रखते हैं ये इन इन पर भरोसा करते हैं क्यों क्योंकि जब एक आदमी इनसे ये सिम्टम लेके एक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर की ये कोशिश होती है कि इस आदमी को ये जो ये कोई बीमारी है इसको जड़ से कैसे मिटाए उसके लिए टाइम लगता है कुछ इवेलवेशनस कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं लेकिन जो ये हमारे ये फार्मासिस्ट होते हैं जिन्हें हम अपनी लोकल लैंग्वेज मेडिकल वाले कहते हैं इनका ये कोई टेंशन नहीं होता है क्योंकि इन इनके पास वो कैपेबिलिटी भी नहीं होती है कि ये डाइगनोज पे जाए या कुछ और करे ये सीधा वहीं पे ऑन द स्पॉट एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट को फ़र्क हो जाती है और पेशेंट को लगता है कि ये तो उस डॉक्टर से अच्छा है वो तो मेरे पैसे खा रहा है इसलिए लोगों का विश्वास इनमें बढ़ जाता है यही वजह है कि हमारे जो फार एरियाज़ में है वो लोग इन डॉक्टर्स के पास जाते हैं ऐसे जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं एग्जैक्टली exactly. ये जो फेक uh, डॉक्टर वाला सिस्टम uh, है ये इन इटसेल्फ इज अ पेंडेमिक पब्लिक इनको एक्सेप्ट कर रही है लोग इनके पास जा रहे हैं सो देयर हैज टू बी सम रीजन तोयबा वुड यू लाइक टू वे इन आई थिंक इट्स अ इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम हमने पहले बोल चुके हैं वो हर दो हर दो तीन कदम पे हम देखते हैं देयर इज अ पिल हैप्प्पी फार्मासिस्ट जिसने अपनी दुकान खोल रखी है एंड देर नॉट जस्ट डिस्पेंसिंग पिल्स वो इलाज कर रहे हैं लोगों का सो देर आर थ्री आई थिंक थ्री लेवल्स ऑफ रीजन एक गवर्नमेंट के लेवल पर रीज़न आता है एक इन फार्मासिस्ट की लेवल पे एंड एक पब्लिक की लेवल पर सो वी स्टार्ट विद द गवर्नमेंट एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबल हेल्थ केयर जो है इट्स वेरी रेयर फॉर द पीपल इन आर सोसाइटी इस्पेशली अगर आप रूरल एरियाज में देखेंगे दैट्स वन ऑफ द रीजन एक्सेबिलिटी एंड दैन चीप भी है ओब्वियसली उनके पैसे बच रहे हैं बिकॉज देर इज नो रिजमन देर इज नो क्वालिटी ऑफ दीज मेडिसिन दे विल जस्ट प्रिसक्राइब यू एनी टू और थ्री मेडिसन्स फॉर योर फीवर एंड देन फार्मासिस्ट के लेवल पे अगर हम बात करें तो ग्रीड विल ऑब्वियसली अ रीजन दे आर डूइंग अ गुड वर्क दे आर हेल्पिंग पीपल सिम्टोमेटिकली लोगों की छोटी छोटी एलिमेंट्स को ट्रीट करें बट देन समटाइम्स देर इज ग्रीड इन्वाल्व देर नॉट रेफरिंग दीज पेशेंट्स टू हायर सेंटर्स डायग्नोसिस वगैरह के लिए टेस्टिंग के लिए देर देर गेट कीपिंग दीज पेशेंट्स उनको अपने पास ही रख रहे हैं सो आई थिंक दिस आर सम थैंक यू बिल्कुल एंड द फैक्ट की ये लोग इतने ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं एक हिसाब से देर आर सर्टनली सो मैनी फैक्टर्स दैट प्ले थैंक यू एक रीज़न ये भी है कि लोग आजकल इतने बिजी हो गए हैं अपने शेड्यूल को लेके कि वो नहीं चाहेंगे कि हम डॉक्टर के पास जाएं और एक गलत फहमी रहती है कि जो डॉक्टर है वो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करते हैं तो शायद वो हमें लूट रहे हैं राधा दिन जो डॉक्टर है वो रूट्स तक जा रहा है उस डिज़ीज़ के तो वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और वो जो भी उनको लाइक छोटी सी भी पेन होगी तो वो उनको पेन किलर्स रेफ़र करेंगे और वो वो वाले पेन किलर्स जो हैं वो काफ़ी टाइम तक लेते रहते हैं जब जब उनको पेन होती रहेगी वो वो पेन किलर्स लेते रहेंगे तो वो उनकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली exactly. एंड uh, कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि एम की पढ़ाई इतनी लंबी चौड़ी क्यों है अगर हर बंदा छः महीने का कोर्स करके डॉक्टर बन जाता तो फिर इतने बड़े बड़े कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इसके बहुत सारे uh, नुकसान हैं जो uh, लोगों को समझने चाहिए फॉर तो मैं कुछ ही कुछ दो तीन कॉम्प्लिकेशन की बात पे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले ये है कि ड्रग रेजिस्टेंस ड्रग रेजिस्टेंस इट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है ड्रग रेजिस्टेंस में द इफेक्टिवनेस ड्रग जो होती है वो रिड्यूस होती है तो सेकंड थिंग आई मस्ट टेल यू अबाउट इज ड्रग टिटी ड्रग्स टॉक्सिटी इज लाइक इट इज इट डिपेंड्स ऑन डोज द थर्ड थिंग आई मस्ट टेल यू अबाउट इकोनॉमिक बर्डन इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पेशेंट्स सो इकोनॉमिक बर्डन इज लाइक जब पेशेंट पहले फार्मासिस्ट के पास जाएगा वन टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फिर जब उसको फ़र्क नहीं होगा फिर वो सोचेगा कि नहीं अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा क्योंकि उसने फेथ गेन किया है फार्मासट का जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनका फिर जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट उसको पहले चीप आ, मतलब आ, रेट में हो सकता था डॉक्टर उसको प्रेस्क्रिप्शन देता डिजीज़ को डायग्नोज करता और उसको ट्रीटमेंट करता तो वो चीज़ जो है उस पर एक इकोनॉमिक बर्डन बन जाता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत हैं इस पूरी प्रैक्टिस में एंड

की इससे कहीं ना कहीं हमारे सुनने वालों को बहुत फायदा होगा आगे बढ़ते हैं और अब अगला सेगमेंट लेकर हमारी एक और डॉक्टर जी हाँ, पहले डॉक्टर महक हमारे साथ थी अब डॉक्टर बाईजा हमारे साथ है जो लोकल टैलेंट हमारे लिए पेश करने जा रही हैं तो चलते हैं बाईजा के पास थैंक यू तब्रीज तुम जान हो ईमान हो एक सितारा हो या कायनात हो खुशी हो या गम हो पर जैसे भी हो मेरे साथ हो

शजर देखा शजर कामत के नीचे मैंने एक शजर देखा शजर कामत के नीचे फिक्र लहू छोड़ कर लगा था साई के पीछे अब मैं अपनी छोटी सी गजल पेश करना चाहता हूँ कोई तो मुझको बुला रहा है सुकून से वो सुला रहा है खुला जो उसने हुसन की रंगत कतल पे मुझको तुला रहा है मेरी तो किश्ती बिखर गई है गरक हुए सब मुला रहा है ये जिंदगी तो बुलबुला है गुमान हस्ती रुला रहा है बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ था रेहान सो टू फॉलो अप रेहान आई वुड नाउ कॉल अदीबा असलम मेरा नाम अदीबा है मैं कुपारा से हूँ तो एक बहुत ही फेमस गाने की लाइन है जिसके साथ मैं पर्सनली बहुत कनेक्ट करती हूँ कि तेरे पास यादों का मेला रहेगा तो लोगों में रहकर अकेला रहेगा तो उसी अकेलेपन के लिए उसी अकेलेपन को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने कुछ लिखा है न जाने क्या है ये पहेली जब जब शब आती है दिल डूबने लगता है मेरा आँखें ढूँढने लगती हैं एक ऐसी सहेली जो देख पाती है मेरे इस डूबते दिल को जो कहती है मैं तुमको किनारे पर ला सकती हूँ पर वो वो तो एक ख्याल है ख्याल जो हकीकत नहीं होता जब सुबह आती है ख्याल भी भूल जाता है और फिर शब आती है फिर दिल डूबने लगता है मेरा और कुछ और लाइनें हैं सारी ज़िंदगी गुजार दी मैंने इस ज़िंदगी को समझते समझते रोज़ ही वादा करती हूँ खुद से कि सुलझा दूंगी अपनी उलझने रोज़ ही फिर मुबतला कर देती हूँ खुद को किसी नई उलझन में खुश तो हूँ ख़ुश रहना आता है खुशियों के सबब हैं बेशुमार लेकिन वो एक गम का सबब कभी कभी दिल की उस गहराई से बाहर आता है तो नहीं याद रहता खुश रहने का एक भी सबब थैंक यू थैंक यू अदीबा तो अब इतनी पोइट्री के बाद तो हम थोड़ा गाना सुन लेते हैं वी ऑल शुड लेंड आर एयर्स टू मिस्टर फयाज वानी फॉर अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस एंड टू सपोर्ट हिम वी हैव आर वंडरफुल पियानिस्ट उमा गजाली गुलों में रंग भरे बदलो बहार में रंग भरे बदलो बहार चले चले भैया के चले भिया गुलशन का कारोबार का, का, चले गुलू में रंग भरे बादनों बाहार चले से कुछ तो, तो कहो कप है यारो हो सबा से कुछ तो कहो कहीं तो बह रे खुदा आज रे चले फैज़ आपकी परफॉर्मेंस से मुझे फैज अहमद फैज का एक शेर याद आया तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तो अब हम थोड़ी अंग्रेजी सुन लेते हैं कॉलिंग अपॉन मिस इकबाल टू शेयर फ्यू इंग्लिश इंग्लिश वर्सेस विद अस में एक बहुत अच्छी कोट है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर तो मैं खुद को बी होल्डर की जगह रखते हुए एक पोयम लिखी है मैंने जिसका टाइटल है ब्यूटी जो कुछ इस प्रकार है यू लुक्ड फॉर ब्यूटी एवरीवेयर सो यू एडोर्ड द प्लांट्स एंड देयर फ्लावर्स, एंड हाउ द कर्टन्स ऑफ डार्कनेस हिट द वे टू द स्टार्स यू सर्च्ड फॉर द सीक्रेट्स व्हिच मेड द मून शाइन टू ब्राइट एंड स्प्रेड इट्स ब्यूटी ऑल ओवर व्हेन कामनेस हैज टेकन ओवर द नाइट यू आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द ब्यूटी पोजेस्ड बाय एवरी You have known, but while admiring the beauty of others, you forgot to see your own. This is the most beautiful thing about you, your immense beauty. You have never known. Thank you. Thank you, Mehnaz. अंग्रेजी भी हो गई, उर्दू भी हो गई. पर ये नहीं भूलना है कि हम हैं तो कश्मीरी. हाँ निकोगो माइक तो शायستा, तो ऐड सम कल्चरल ट्विस्ट. Thank you, बाईजा. माइक तो I love you वनखना तो, तो, तो तस्वीर क्या है, है? पहचाने रवम मैं रात दो ये मैं अपने प्रोफेशन को डेडिकेट करती हूँ थैंक यू शाइस्ता हु से स्टूडेंट्स इन मेडिकल कॉलेज डोंट हैव टैलेंट वंस अगेन टू ब्रेक दिस स्टिग्मा आई वुड लव टू कॉल मिस तोयबा थैंक यू बाइजा दिस इज तोयबा फिर दोस्त बट फ्रॉम प्री फाइनल ईयर एम एंड आई एम फ्राम टंगमर्ग एंड आई लाइक टू प्रेजेंट अ पोएम दर आई हैव कम्पोज ऑन माई ओन इट गोज लाइक दिस I worry about babies who smile too loose and sleep too tight They pin themselves to open arm and kind eyes. Damn their innocence, they see everyone in the same light. I worry about girls, waving their pigtails, stammering words, not knowing which face will become a nightmare, which hand will leave a scar. I worry about young ladies, chatting cheerfully in groups, watching, listening, knowing, yet not believing that their little world could be so twisted, so dark. I worry about women betrothed and wed, brides sent away amidst sparkles and choir. But who knows what scary truths, What veils their clinking bangles mask? I worry about old women, those that know everything, those that have seen all. Maybe this silence wasn't their norm. Maybe there are unanswered questions, they once asked. I worry about women that died. They sleep like they once did, thinking the earth will protect them, like a loving bosom used to. I worry for they do not know. Six feet of soil isn't nearly enough. Thank you. Thank you, Taiba.

शुरुआत एक छोटी सी नजम के साथ जिसका है अज़म लो फिर से तेरे जिंदा सबा। लो फिर से कई तूफान बेदार हुए लो फिर से लबे यार पह नाम अपना लो फिर से आईने खुदार हुए हैं दब गए थे जो कहीं खारों तले वो गुल नगम गु है मुशबार हुए हैं चलो फिर से तमन्ना की जाए कोई चलो फिर से हवा दिल को दी जाए कोई चलो फिर से सरे मकतिल चले हम चलो फिर से सुए कातिल चले हम अब के जो गर्दन भी कटी तो क्या अब के जहाँ से जहाँ भी छुटी तो क्या हमसे जो बाद सबा ने कहा था आओ उस ख्वाब को जिए हम फिर एक बार लहू अपना आंसुओं से पेशतर पे हम चलो फिर एक बार सारे मक्तल अपने नासूनों को सीए हम चलो फिर एक बार असीरो अपनी बेअसीरी को मिलके जिए हम बहुत खूब माय सर टू मच ऑफ टैलेंट इजंट इट सो टू एंड दिस सेगमेंट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मारूफ टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस

Thank you, Maruf. So this puts an end to this local talent segment. Back to Tabrez. तो अपने बहुत शानदार poetry भी सुनी और बहुत ही प्यारा म्यूजिक भी सुना और उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट भी हमारे सुनने वालों को पसंद आया होगा। Bhaija का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये लोकल टैलेंट सेगमेंट हम तक पहुंचाया। तो अब चलते हैं सीधा नवीद के पास जो एक बज़िंग डॉक्टर हैं। नवीद तैयार हैं। आज का आखिरी सेगमेंट प्रोग्राम का लेकर जिसका नाम है दिल की बात तो चलते हैं नवीद के पास अल्लाम एवरी वन एंड थैंक यू तब्रीज़ थैंक यू बाइजा एंड थैंक यू महक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा है ये जो भी आपके साथ रहा इवन हमें ये जल्दी करना पड़ा बट आई एम प्राउड ऑफ़ यू गाइज तो अभी हम आज के लास्ट के सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है दिल की बात सो so, अभी इस दिल की बात में कहना क्या है इसमें हम हम अपने स्टूडेंट्स से जी एम सी श्रीनगर के स्टूडेंट से पूछेंगे अपनी सोसाइटी के बारे में हमारी सोसाइटी में क्या मीठी चीज़ें हैं क्या कड़वी चीज़ें हैं और कैसे हम अपनी सोसाइटी की मिठास बढ़ा सकते हैं चलिए तो पहले हम शुरू करते हैं मिस बाइजा से दिल की बात के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में मेडिकल स्टूडेंट्स पे एक अलग ही किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती है हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह एक्चुअली प्रिटेंट करने को बोला जाता है कुछ करें तो ऐसा होता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते या वैसे नहीं होते सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है और उसका प्रोफेशन है या कोई कॉलेज है वो चीज़ उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एट टाइम्स वी आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ वे विच वी एक्चुअली आर नॉट बहुत खूब वाइजा बहुत अच्छा कहा आपने तो अब हम चलते हैं अदीबा की तरफ वट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर सोसाइटी इन द नेक्स्ट फाइव टू टेन ईयर्स खेर सो आई स्टार्ट विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे पहले एक चीज जो आज की सोसाइटी में चेंज हो रही है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन लोगों को समझ आ रहा है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एनी डिग्री रादर मतलब हमारी एजुकेशन हमारे डे टू डे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हम अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं कैसे बिहेव करते हैं हम अपनी इन्वामेंट की तरफ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं हम अपनी डे टू डे जो क्लेंडलीनेस है उसकी तरफ क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिग्री इट्स अबाउट डे टू डे लाइफ और जो दूसरी चीज़ है एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आगे जाके चेंज हो जाए जो अभी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्रिडामेंटली चल रही है

एब्सोल्यूटली इंस्पायर्स मी कि हमारे जो यंग पीपल हैं वो डोनेट uh, करने में लोगों की हेल्प करने में फाइनेंशियल हेल्प करने में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इनफैक्ट हमारे अपने कॉलेज में हमारे कॉलेज में देर हैव कपल ऑफ ऑर्गनाइजेशन हैव क्रॉप्ड अप देर वॉज असबील फ्राम बच ट्वेंटी फिफ्टीन आई थिंक एंड आर ओन बच हैज़ स्टार्टेड एन ऑर्गनाइजेशन कॉल द विजन विच इज हेल्प विच इज़ वर्किंग टायरलेसली हैल्पिंग पीपल टू अचीव बट हेल्थ केयर देर यू नो डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टाफ अमंग ऑर्फेज एंड ऑल ऑफ दैट दट रियली रियली इंस्पायर्स मी एंड इट गिवस मी होप

एक प्रॉब्लम रिसेंटली क्रिएट हुई है मिस ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल हमारे कश्मीर के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा हेल्थ केयर उतना भी डेवलप नहीं है आप देख सकते हैं कि इवन हमारे एस एम एच एस हमारे स्कीम्स में कितना रश होता है इवन कैजुअल्टी में नियरली हफ्ते भर में दो तीन बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं वहाँ डॉक्टर के साथ आप सोचिए वहाँ पर एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स को संभाल सकता है सो प्लीज़ वी हैव टू लुक इन टू इट नाउ दिस वॉज अ बैड थिंग अभी गुड थिंग्स में मैं कह सकता हूँ कि कश्मीरियत अभी जिंदा है क्योंकि रिसेंटली आई थिंक लास्ट नाइट देर वेंट अ कलेक्शन फॉर अ यू नो ईयर ओल्ड चाइल्ड फॉर हिज आई थिंक बोन मैरो ट्रांसप्ल एंड देस फोर्टी फाइव लैक्स एंड इट वॉज डन इन अ मैटर ऑफ अवर्स द सोशल मीडिया अभी इससे क्या पता चलता है कि हमारा कल्चर हमारी कश्मीरियत अभी जिंदा है एंड सो आई कंक्लूड द सेशन खुदा हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया नवीत आपका भी और आपने ये दिल की बात सेगमेंट हम तक पहुंचाया और अपने दिल की भी बात कर दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दिल की बातें हैं ये आने वाले वक्त में पूरी हो जाएं हमारी ये ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और हम अपनी सोसाइटी को बेटर खुद भी बनाएं और बेटर तरीके से देख पाएं आने वाली जनरेशन के लिए उसी बेटर सोसाइटी को रख के जाएँ तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पूरा प्रोग्राम जो आज हमने आपकी खिदमत में पेश किया एयर नेक्स्ट का इन कोलाब्रेशन विद गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर आपने पसंद फरमाया होगा इंशाल्लाह जी इसी प्रोग्राम के अगले शुमार में होगी मुलाकात तब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह हाफिज